मानव सेवा ही है भगवान की सेवा। नागरिक अरवल के मीडिया पत्रकार बंधु सब लोगों का मैं शुक्रगुजार और आभार है कि आप आदरणीय एसपी सर और मेरा आप लोगों ने विधायक सर सम्मान समारोह रखा, उसमें आप लोगों ने बुलाया और उसमें आप लोगों ने हम लोगों को ये सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रगुजार है। जो प्रेम मिला, जो साथ मिला, जो स्नेह मिला और आप लोगों का जो सहयोग मिला वो बड़ा ही अपने लिए है। चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, हमारे हर गांव के कोई भी सामान्य नागरिक हो, यहाँ के जो भी पत्रकार मीडिया बंधु है, सब लोगों का बहुत सहयोग मिलता है। कोई भी विधि व्यवस्था हो, कोई भी समस्या हो तो उन लोग हमेशा एक कदम आगे बढ़ के मदद करते हैं। हम लोग इतना सफल इसलिए हो पाए क्योंकि आप लोग का सहयोग है। अगर आप लोग का सहयोग नहीं मिलता तो हम लोग कभी सफल नहीं होते। हम लोग सिविल पुलिस है, सिविल पुलिस का काम है कि लोगों के बीच में काम करना, सिविल आप लोगों के बीच में काम करना, आप लोगों के साथ में काम करना। जब तक आप लोगों का साथ सहयोग नहीं मिलेगा हम लोग कभी भी सफल नहीं होंगे। और हमारी जो प्राथमिकता थी उसका हम लोग हमेशा कोशिश करते थे कि यहाँ पर शांति व्यवस्था अमन चैन बना रहे और किसी तरह का कोई भी आपराधिक घटना हो उसको कानून के हिसाब से उसको सजा मिले और कानून का शिकंजा उससे मजबूत हो ताकि किसी तरह की अराजक स्थिति नहीं उत्पन्न हो और समाज में जो अपराधी है उसको एक कठोर मैसेज जाए। यहाँ तकरीबन एक साल काम करने को मिला और एक साल में मैं एक सेवक की तरह आप लोगों के साथ, हम सेवक की तरह यहाँ काम किए और कोशिश किए कि अधिक से अधिक आप लोगों का सेवा कर सके, हर तरह की जितनी समस्याएं हैं उसका समाधान कर सके। सब समाधान तो नहीं हो पाया, फिर भी अपना तरह से भरसक मेरा प्रयास रहा कि जितना ज्यादा सेवा करके आप लोग का समाधान करें और आप लोग जो भी अपराध है उसका नियंत्रण रखें, अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए। तो उसमें हम लोग काफी हद तक सफल रहे और जो भी लोग आगे आने वाले हैं, अभी जो नए अनुमंडल पुलिस अधिकारी और नए पुलिस अधीक्षक महोदय आए हैं तो वो भी इसको कंटिन्यू रखेंगे, निरंतरता रखेंगे। आदरणीय एसपी साहब का तकरीबन 30-40 दिनों का इनका रहा कार्यकाल, तो उसमें हम लोगों ने बहुत विशिष्ट उपलब्धियां अर्जित की, जिसमें कि आप लोगों को पता है कि हम लोग तकरीबन 582 kg गांजा बरामद किए, जो कि हमारे कार्यकाल में इतना बड़ा गांजा कभी बरामद नहीं हुआ था। और आप लोगों के द्वारा बराबर इस बात का हम लोग जब शांति समिति बैठक करते हैं आप लोग से बात करते थे तो आप लोगों का बोलना था कि इस पे आप लोग कुछ काम करिए ताकि ये जो दशक है पकड़े जाए, तो उसे बहुत अच्छी उपलब्धि हुई। उसके बाद जो मिनी बन फैक्ट्री है उसको उद्घाटन हुआ, उसके बाद भगवानपुर बरासी में एक मर्डर केस हो गया तो उसमें सर का लगातार मार्गदर्शन मिला, उस हम लोगों ने 24-47 घंटों में हम लोगों ने बरामद किया अपराधी को पकड़ा। उस सर की काफी और भी ढेर सारी उपलब्धियां हैं, जैसा कि बता रहे थे कि हम लोग 24 घंटा भी काम रहता है, 24 घंटा वो भी समस्या आती है, समस्या तो लोगों को 24 घंटा रहती है तो फिर हम लोग लगातार 24 घंटा समस्या का समाधान करते हैं, प्रयास करते हैं। जीवन में मेरा दो ही मोटो रहता है, एक है रिगवेद का कोट जो कि मेरा जो भी रहता है प्रोफेसर रहता है, रिगवेद का कोट है कि लेट द नोबल थॉट कम्स फ्रॉम ऑल साइड, इसका मतलब है कि जो भी अच्छे विचार है उसे सब तरफ से आने रहो, ये मेरा एक एक का दूसरा है रामकृष्ण परमहंस का, जो आप लोग जाइएगा तो इसमें आएगा कि इसी चीज को कोशिश करते हैं कि अपने जीवन में और जहाँ पे काम हो उसको पालन करें। लेट द नोबल थॉट का मतलब ये था कि हमारे पास जितने लोग आते थे कोई घटना हो गई तो कोई अपना पक्ष ले गया है, कोई विपक्ष ले गया है तो हम सबका सुनते थे, तो उससे होता क्या था कि हर तरह की हो सकता है घटना सब हो गए हमको 25% या 50% कार्य मिली, उसका 27% मिली, बाकी लोग आते थे वो भी कुछ होते थे, तो उससे क्या होता था कि बहुत तरह की जानकारी हमको मिलती थी, उसको हम लोग सही जगह पे और सही निर्णय लेने में हम लोग को बहुत सुविधा होती है।
इसलिए हम सबसे मिलते तो सबका सुनाते हैं। सर्विस ऑफ मैन इज सर्विस टू गॉड, कि मेरा एक ही लक्ष्य है जीवन का कि अधिक से अधिक आप लोगों का जो उनको जो भी काम दिया जाए उसका अधिक से अधिक लोगों का सेवा कर सके और निस्वार्थ भाव से सेवा किया जाए, ताकि जो हम लोगों को काम दिया गया है पब्लिक के बीच में जाके कानून व्यवस्था का संधारण करना, अपराधियों को पकड़ना और पुलिस और पब्लिक के बीच की जो दूरी को घटाई जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है पुलिस का जो कानून है जो पुलिस प्रशासन की सुविधाएं है वो लोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। उसी के साथ हम लोग ये समारोह में लगातार 8 मिनट 10 मिनट हम लोगों ने लोगों तक वहाँ पर लोगों को सुविधाएं मिली और काफी लोगों का इसमें एक्सीडेंट हुआ तो उसमें जाने भी बची, बड़ी बड़ी घटनाएं होने से भी चला। तो ये लगातार हमारा प्रयास रहा। आप सब लोगों का मैं बहुत हृदय से आभार, हृदय से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों का लगातार समर्थन मिला, सहयोग मिला और इस कार्यकाल के दौरान 12-13-14 महीने अगर भारत से कोई भूल चूक हो गई हो, कोई कमी रही हो, तो उसके लिए मैं प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।